Yeah, please. Take care. Yeah, you play. I know. I should answer. You know that. ₹21,000 मेरे मोबाइल के लिए मिले हुए हैं और मीटर के ये 7,000 मैंने इनके घर काम के लिए लिया। अगर इनका घर काम नहीं हुआ 21,000 ये और 7,000 वैसे 28,000 रुपये इनको मुझे वापस करूँ। ठीक है नमस्कार, नागपुर से मैं अब्दुल शेख और अभी हम खड़े हैं यशोदा नगर के पुलिस स्टेशन में जहां पर सैकड़ों की तादाद में ये कुछ लोग आए हैं। ये जो फरियादी है इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगा गया है और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बहुत तकलीफ के साथ में अपना एक एक पैसा जमा किए थे। ये आज के मारे कि हमारे बच्चों को कल को घर हो जाएगा, हमारा खुद का छत हो जाएगा। कुछ औरतों ने अपने पति की चोरी से जो पैसा जमा करती हैं कि आगे के फ्यूचर के बच्चों के लिए, ऐसी औरतें भी कुछ है और इनमें से कुछ औरतें अभी बीमार हो चुकी है दहशत और टेंशन के मारे। तो आइए जानते हैं हम कि यहाँ पर इनके साथ में क्या ठगी हुई है और क्या क्या इनके साथ में माजरा हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ। आप यहाँ पर क्यों आए? सर ये प्रधानमंत्री योजना के जो क्वार्टर जो मिलने वाले थे तो ये बघेल करके एक नाम का आदमी है बघेल, तो उसने हमको ये बोला है कि भाई 8.5 लाख का फ्लैट है जिसमें 2 लाख आपको सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट के तरफ से और ये मैं एक तुमको पर्चा बना के दे रहा स्टैम्प पेपर जिसपे लिखा हुआ है प्रधानमंत्री के नाम से कि ये बोले अपने को माफी पत्र उनको देना है, अगर हो सकेगा गवर्नमेंट वो तुमको पूरा का पूरा माफ कर दे और नहीं तो बोले तुमको 6.5 लाख रुपए तो भरना ही भरना है बोले। आपने तो पहले कितना पैसा दिया, कितना पैसा मांगा? मैंने 50,000 रुपए दिया। मेरे से तो ज्यादा का डिमांड किया था लेकिन मतलब भाई इतने नहीं जमते, मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ। तो आपसे 50,000 रुपए क्या बोल के मांगा गया? उसने ये बोल के मांगा कि 50,000 रुपए तुम अभी दो और जब मैं तुमको चाबी और घर के पेपर दूंगा तब मैं आपसे फिर पैसा लूंगा 30 से 50,000 रुपए। तो आपने उसको किस अधिकार से पैसा दिया? आपको मालूम था कि कोई एनआईटी का अधिकारी है, एनएमसी का अधिकारी है, आपको कुछ प्रूफ बताया उसने उसका? हाँ, कार्ड वगैरह वो बोले कि मैं नितिन राउत का पीएओ बोले, मैं उन्हीं के साथ में बैठता उठता हूँ और उनके थ्रू मैं ये काम कर रहा हूँ। नितिन राउत जो पालक मंत्री है उनका पीए बता रहा, बाकी उनके पीए अलग है, उनके पीए तो ये है नहीं। आपने कहीं तक थोड़ी इंक्वायरी नहीं ना सर, हम इसको भी नहीं जानते थे। भाई आपने तो इंक्वायरी करना था, एक जैसा जो इतने संविधान पद पे जो इंसान बैठे हैं नितिन राउत जी पालक मंत्री शहर के, तो आप उनका नाम लेके कल को कोई भी आएगा आपके घर पे आपको ठग लेगा तो आप क्या उनके नाम से पैसा देते रहेंगे? ये बताइए आप पहले। नहीं सर, असल में भूल ऐसी हुई कि सारे लोग जो है हमारे भी रिलेशन वाले तालुकात वाले जो जान पहचान के सभी पैसा दे रहे थे और बोल रहे थे भाई काम सक्सेस है, तो आदमी ये लालूच के अंदर में आ गया। तो ऐसे टोटल कितने लोगों ने पैसा दिया होगा? ऐसे तो कम से कम 550-600 लोग थे कल, जो आज अभी इतने ही दिख रहे लेकिन अभी बाकी लोग और भी बाकी है जिसमें अभी 3.5 करोड़ के ऊपर अभी चले गया, 4.5 करोड़ के ऊपर। तो वहाँ पर सुनने 80 लोग और बाकी 80 से 100 लोग। वहाँ पर सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर जो गार्ड ड्यूटी पे था वो गार्ड के पास में चाबी रहती थी और गार्ड तमाम पब्लिक को फ्लैट बताता था, गार्ड बताता था सर खोल के। तो इसमें क्या आपको लगता है कि गार्ड भी इसमें मिला हुआ है? गार्ड भी मिला हुआ है सर, इसमें तो बहुत लंबी चैन है इनकी, अकेला तो आई नहीं। आपको ऐसा क्या लगता है कि इसमें कौन कौन मिला हो सकता है अंदाज एक? अब ये तो सर वो बड़े लेवल के लोग होंगे इसमें मिले, क्योंकि चिल्लर आदमी तो कर नहीं सकता हमारे जैसा। तो आपको फ्लैट नहीं दिया? नहीं। आपका फोन उठा रहे हो? फोन अभी जस्ट मेरा फोन उठाया और मैंने उसको जैसे ही बताया मैं अल्ताफ कुरैशी बोल रहा हूँ तो वो उसने फोन काट दिया। मतलब आपने 4 बजे का बोले थे आने का कि आए क्यों नहीं, तो उसने फोन से फोन काट दिया मेरा। इसका मतलब है कि ये जो आरोपी जो ठग है जी ये आज भी नागपुर में ही घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। तो अभी आपने पुलिस स्टेशन में यशोदा पुलिस स्टेशन में FIR किया? जी जी। तो यहाँ पर क्या बोला गया आपसे? हमको बोला गया कि उसको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करके लेके आ जाए। आपका क्या मैटर है? आपने कितना पैसा दिए? हमने 1,20,000 दिए। 1,20,000 रुपए दिए। आपको क्या बोला गया था? बोला गया था कि प्लाट मिल जाएगा ले लो करके। तो आपने 1,20,000 रुपए दिए, उसके बदले में आपने कोई रिसीव लिया है क्या? नहीं दिए ही नहीं उसने। उन्हें बोला कि मैं दे दूंगा तुमको, लाके रखिए चाबी दूंगा तुमको, पैसे तुम दे रहे हो चाबी देगा। तो हमने कल परसों के दिन उसने बोला 30 तारीख की तुम लोग आओ 3 बजे, मैं चाबी दे रहा हूँ पैसे लेके आओ, 11,000 रुपए। आप उन्होंने पैसे लेके आए वो मिला नहीं हमको, भाग गया। आप कितने लोगों ने पैसा दिए? कितना? 600-700 लोग होगा।
तो कितना कितना पैसा दिया अंदाज? किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1,00,000, किसी 1,20,000, किसी 1.5 लाख। तो हमको तो सुनने में आ रहा है कोई एक साथ तो उन्होंने अकेले ने 5 लाख रुपए दिए करके। हाँ तो उन्होंने उनकी ज्यादा तो उन्होंने 5 लाख दिए होंगे, हमने तो 30,000 दिया और हमारे घर के जो लोग हैं उनके मिला के हमारे 1,20,000 हो रहे। आपने कोई इंक्वायरी नहीं करा ऐसे किसी के हाथ में पैसे दे दिया? पढ़े लिखे नहीं है ना, तुमने बोले कि भाई ये दे रहा हमने लिए तो हमने ले लिए तुम्हारा बोल के। ठीक है शुक्रिया। और कौन है बोलना? आपका नाम बताइए सबसे पहले। जी सर मेरा नाम नाजिया परवीन है। और आप क्यों आए यहाँ पर पुलिस स्टेशन में? सर हम यहाँ पे सतीश बघेल के नाम की FIR दर्ज करने आए हैं। हाँ तो FIR किस चीज़ की दर्ज करने आए आप? जिसने हमको बोला था कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के जो फ्लैट है ये गरीबी योजना के लिए है, 2.5 लाख रुपए में ये फ्लैट कैसे क्या मिल रहे है? तो वो उसने हमको ये बोला है कि ये जो फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के जो है तो ये प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए फ्री में दिए, लेकिन कुछ ऐसे लोग इसमें जो है कि वो 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए लेके ये अपने को ये गरीबों को बांटने वाले, ये भरोसे के तौर पे हमने उसको थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे के उसने हमारे से बड़ा बड़ा अमाउंट लेके गया है। आप कौन से एरिया से आए? मैं बंदे नवाज नगर। और आप कौन से एरिया से आए? परवेश नगर। परवेश नगर। और आप? परवेश नगर। आप भी परवेश नगर से? आप लोग कहाँ से? पानी टंकी महिंद्रा नगर। बंदे नवाज। आप कहाँ से? पानी टंकी महिंद्रा नगर। तो आप सभी के पैसा मतलब लेके गया उसने? तो अभी आप क्या उम्मीद करते हैं? तो ये पुलिस के जरिए काम होगा हमारा, पुलिस के जरिए काम होगा। पुलिस के अभी तो FIR कर दिए। अभी पुलिस वो करेंगे। मौलाना मुजीब, थोड़ा जोर से बोलिए सर। मौलाना मुजीब अहमद। हाँ आप क्यों आए यहाँ पर? भाई वही परेशानी हमारे पास भी है। हमारे यहाँ तो पहले वो 2-3 मरतबा गया टंकी के पास और वो रोड वगैरह जो है बनवाने के लिए गिट्टी वगैरह डाले वो, और वही सब देख करके हमारे सबके अंदर थोड़ा सा ये हो गया कि भाई अच्छा आदमी दिख रहा है। और उसने ये बोला भी कि अगर तुमको फ्लैट नहीं मिलेगा तो तुम्हारा पैसा हम सब वापस करेंगे, जिसका जिसका है, गरीब को हम सताएंगे नहीं। इसलिए जो है हम लोग उसके भरोसे पर दे दिए कि भाई चलो हमारा काम आगे हो जाएगा, हम लोग गरीब हैं, हम लोग का सहारा बन जाएगा कुछ ना कुछ कमरा रहने की। उसने ये भी वादा किया था कि अगर किसी का काम नहीं हुआ तो सबका पैसा वापस करूँगा, ये भी वादा किया था। और टंकी पे जा करके उसने रोड वगैरह कुछ काम ऐसा किया कि हम लोग जो है उसको सोचे भाई अच्छा आदमी। मतलब आप लोगों को सभी को झांसे में लिया, झूठा आश्वासन दिया और उसके बाद में करोड़ों रुपए की जो ठगी करा है और ठगी करने के बाद में आप लोगों का फोन नहीं उठा रहा है, जो यहाँ पर इनका मेहनत मुशक्कत का जो पैसा है, खून पसीने का पैसा, आज ये सब लोग अपने पैसे के लिए यहाँ पर दर बदर भटक रही है इंसाफ मांगने के लिए। मैं ये मेरे मित्र है इशाद, इन्होंने मुझे कल फोन करके बताए थे ये जो फ्रॉड हुआ है बैगुल के रस्ते, मैं उसके इसलिए आया हूँ। हाँ फ्रॉड बोले सर, कैसा फ्रॉड हुआ? ये लोग जो है इन्होंने पैसे कोई फ्लैट की वजह से इन्होंने पैसे दिए थे बैगुल एक व्यक्ति के नाम पे। हाँ क्या नाम है उसका? सतीश बघेल। सतीश बघेल। तो सर अभी जैसा आप ये लोगों के साथ में, इन लोग के समर्थन में आए जी, अभी यहाँ पर FIR कराया गया तो यहाँ पर अभी सर क्या आपको आश्वासन दिया गया पुलिस स्टेशन से? अभी FIR हुई है, FIR होने के बाद उसको लेके उठा के लेके आएंगे करके और उसके बाद कार्रवाई करेंगे करके, तो ये अपने को PI साहब ने बोले हुए। तो बाकी जो इन्होंने सब पैसा भरे, इनके पैसों का क्या होगा? ये कोर्ट के माध्यम से मिल जाएगा इनको पैसे, कोर्ट के थ्रू, कोर्ट में जाने के बाद में कोर्ट जो फैसला करेंगे उसके बाद में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 9,58,000 लेकिन वो फिर भी जाता अपने को 15 लाख बैंक फाइनेंस होते। अच्छा माइनस फाइनेंस में और अपना जाता है अंतोदय में, अत्यंत दरिद्र रेखा खाली घरपुर आवास योजना, अपन वो हिसाब से अपन फॉर्म करते हैं। उसमें भी ऐसा रहता है काम के पहले अपन पूरे पैसे लेते नहीं, काम अगर नहीं हुआ तो पैसे आपसे वापस, वो पैसे भी जो अपन लेते थे उसमें बाकायदा था वीडियो वगैरह देते हैं, तो काम करके देने की गारंटी अपने रहती है क्योंकि एक ऑर्डर बेच नहीं सकते हम। ये बनाया घर कुल योजना के हिसाब से। अच्छा ये बेच नहीं सकते लेकिन अपन सेटिंग के हिसाब से अपने काम कर। ठीक है तो आप ये क्वार्टर के ये फ्लैट कितने पड़ जाएगा? 1,60,000। 1,60,000 का। और आपको देना कितने है? अपन पहले लेते हैं 25,000 रुपये लेते हैं। 25,000 लेने के बाद में फिर बाकी की डिमांड पहले पूरा क्लियर होने के बाद उसको कितना समय लगता? उसको 15 से 20 दिन में। चलिए एक महीना समझ, एक महीना पकड़ के चलो। अच्छा तो ये 25,000 रुपये आपको दे दिए और एक महीने बाद कितना होगा? जैसा आपको आवा दे दिए
कब्जा मिल गया आपको, हाँ, तो आपने पूरे पहले पेपर वेरीफाई करने का, हाँ, कहीं पे भी जाके अगर ये बोगस सही है क्या है, अच्छा, अगर बोगस दिखते हैं तो आप पैसे वापस ले सकते हो। अच्छा, ये कहाँ से पता लगेगा आपको? आपको ऑनलाइन फॉर्म दे रहा है ना मैं, ऑनलाइन फॉर्म भर के ये जो आप फॉर्म दे रहे हैं ये किसका, एनआईटी का है? हाँ, एनआईटी का ये मेरे पास फॉर्म। ऐसा नहीं है कि फॉर्म कौन सा ये टाइप ऐसा हार्ड कॉपी नहीं है। एप्लीकेशन नंबर आप कोई भी नेट पे जाकर वेबसाइट पे जाके कभी भी चेक कर लेने का, अगर उसने बोला आपका फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आप कभी भी मेरे घर पे आ सकते हैं। ये ठीक है, नहीं नहीं यहाँ पे यहाँ पे भी है मेरा, पंचवटी नगर में, पंचवटी नगर, हाँ, चलो खैर ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्म प्रधानमंत्री आवास योजना में चाहिए, ये अपने को लूट चालू है अपनी वाली। लूट कैसी? ये है इसका वर्क ऑर्डर 260,000 का, 15 साल पुरानी स्कीम थी। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना अत्यंत दरिद्र रेशे खाली व्यक्ति ना घरकुल आवास योजना, ठीक है, उसके अंदर में घर अत्यंत दरिद्र रेशा बोले तो मेरे पास 958,000 है, तो मैं गरीब नहीं हूँ, बराबर है। आप क्वार्टर देखोगे 260,000 का वर्क ऑर्डर है बांधकाम का, हाँ, के बाद में उसने मिनिमम 1,60,000 के अंदर में करना चाहिए था। अच्छा, लेकिन ये हो गई ये पूरी लूट। इसके पहले मैंने इस पर लगाया, सामने में भी मेरा चीज से लगा हुआ है, दुकान जो लिखी हुई है, मेरे पास पूरा वर्क ऑर्डर है, आप जो जो बोलेंगे अपन वो पूरा दिखा देंगे। आप तो ऐसा कौन है आपको, आईटी से रिलेटेड आपका? नहीं नहीं, मैं महाराष्ट्र लेवल से किन्नर लोगों का उपाध्यक्ष हूँ। किन्नर का? किन्नर उपाध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र लेवल से, रजिस्ट्रेशन को भी 3302। आपका नाम? सतीश राम कृपाल सिंह बघेल। बघेल जी, ये आप ये काम कर रहे हैं अपने ये अंदरूनी सेटिंग के काम, वो अंदर में आपकी क्या सेटिंग है हमको उसी।